फाइनटेक गाइड की टीम इस नई ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत करती है। आज के बदलते परिवेश में, जबकि आईआरडी नियमित रूप से नए बदलाव ला रही है और आगे भी नए बदलाव लाती रहेगी तथा इनका प्रभाव इंश्योरेंस एडवाइजर पर सबसे अधिक पड़ेगा, इसलिए आपको मोटिवेशन के साथ साथ आईआरडीए के हर नए अपडेट्स की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही टेक्नोलॉजी का भी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपने को इस सेक्टर के नए परिवेश में ढाल पाएंगे और ये चैनल इसमें आपकी भरपूर सहायता करेगी। आईआरडीए के हर नए अपडेट्स को इस चैनल पर अपलोड की जाती है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी कोई नए अपडेट्स अपलोड हो या कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आप सबसे आगे रह सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। एक वीडियो में आईआरडीए के नए अपडेट्स के बारे में बताया गया है तथा उनका विश्लेषण किया गया है और दूसरे एक वीडियो में बीमा सुगम की जानकारी दी गई है, जो कि एक इंश्योरेंस एक्सचेंज है जहां पर हर इंश्योरेंस सेक्टर के हर कंपनी के हर प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे, वो किस प्रकार काम करेगा उसकी जानकारी बीमा सुगम की जानकारी दी गई है। साथ ही इस चैनल पर एक और वीडियो अपलोड की गई है जिसमें वर्तमान समय में एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को दिखाया गया है लाइव डेमो के माध्यम से, जिसमें रेगुलर और थ्रू एजेंट और डायरेक्ट ये ऑप्शंस दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से एक आधुनिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर रेगुलर का भी ऑप्शन होता है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन होता है, उसको लाइव डेमो के माध्यम से दिखाया गया है। उस वीडियो को भी आप इस चैनल पर जरूर देख लें, वो बहुत ही उपयोगी है, जो आने वाले बीमा सुगम को उपयोग करने में आपकी मदद करेगी। हमारी टीम ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग इंश्योरेंस को छोड़कर आपको नए नए काम करने की सलाह दे रहे हैं, कुछ लोग नए नए तकनीक आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, लेकिन आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आप यकीन रखिए जितना इनकम आप इस सेक्टर से कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप किसी और सेक्टर में जाकर इतना इनकम नहीं कर पाएंगे। बस आवश्यकता इस बात की है कि आपको इस बदलते परिवेश के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा, आपको जो भी नई तकनीक आएगी उस तकनीक को सीखना होगा और यह चैनल आपकी इसमें भरपूर सहायता करेगी। आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फाइनटेक गाइड की टीम लगातार आपकी सेवा में लगी हुई है। आप लोग भी मार्केट में घूमते हैं, आप लोग भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों ने भी यह महसूस किया होगा कि दूसरे सेक्टर में जितनी लिक्विडिटी है उतनी लिक्विडिटी इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है। इंश्योरेंस को लोग एक एसेट समझते हैं और इसको जल्द कोई विड्रॉ करना नहीं चाहता या इसको बंद करना नहीं चाहता है। लोगों के पास जो FD होते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं या म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनको वो पहले विड्रॉ करना चाहते हैं, इंश्योरेंस को वो बचा कर रखना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ हो या हेल्थ हो। तो इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, इस कारण इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के इनकम दूसरे सेक्टर में काम करने वाले लोगों से अधिक होता है। इस सेक्टर के जो एडवाइजर्स हैं उनकी इनकम दूसरे सेक्टर में काम करने वाले एडवाइजर्स के मुकाबले में अधिक होती है। बस आने वाले समय में जो चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए आप तैयार रहिए और उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए अधिक से अधिक पॉलिसीज ऑनलाइन करने की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, आप आनंदा के माध्यम से या दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऑनलाइन पॉलिसी करने का प्रयास करिए। LIC एडवाइजर्स इंश्योरेंस एडवाइजर्स हर तरह की परेशानियों को झेलता आया है और उसको इसकी आदत है। हाल ही में जब LIC ने IPO लॉन्च किया तो क्या LIC के कर्मचारी या दूसरे कोई भी प्रचार के माध्यम से इसको लोगों को बताया गया? नहीं। LIC की क्या अवस्था होगी, IPO का क्या प्रभाव पड़ेगा LIC पर, इन सब को बताने का काम, लोगों को समझाने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम LIC के एडवाइजर्स LIC के एजेंट्स ने किया है। LIC के चेयरमैन से लेकर LIC के साधारण कर्मचारी तक हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि LIC को जीरो से हीरो बनाने का काम एडवाइजर्स ने किया है।
क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उतनी प्रोग्रेस नहीं की जितनी LIC ने की है। LIC की अथाह संपत्ति, LIC के इतने पॉलिसी होल्डर्स, ये सब LIC के एजेंट्स या इंश्योरेंस एडवाइजर्स की बदौलत ही ये संभव हो पाया है। आज जो भी LIC है वो एजेंट्स के कारण है। तो इस कारण LIC और IRDAI को भी चाहिए कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी नियम बनाते समय एजेंट्स या एडवाइजर्स के हितों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इन्होंने वर्षों इस सेक्टर की सेवा की है, उन्होंने अपने खून पसीने से इस सेक्टर को सींचा है, तो उनके हितों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। IRDAI तथा LIC और जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सबको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। अंत में आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी चेंजेस आएंगे, IRDAI के जो भी अपडेट्स आएंगे या जो भी तकनीक आएगी, उन सब की जानकारी इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। आने वाले समय में यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, इस कारण आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ तकनीकी वीडियोस और जो भी दूसरे उपयोगी वीडियोस हैं जो आपके लिए हितकारी होंगे, उनको इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। हमारी टीम लगातार प्रयास करेगी आपको क्वालिटी वीडियोस प्रदान करने की। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इंश्योरेंस सेक्टर में आप सबसे आगे रहें। ये सबसे बेस्ट सेक्टर है, यह उज्ज्वल वर्तमान और सुनहरा भविष्य है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।